आज का जो टॉपिक हमारा है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक की जो डायरी है उसके विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसकी लेखिका भी स्वयं एनी फ्रैंक ही हैं। एक प्रकार की 13 वर्षीय लड़की हैं जिन्होंने अपनी सोच को एक डायरी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, और इनके ना रहने पे बाद में इनकी इस सोच को प्रकाशित किया गया और एक चैप्टर के रूप में हम लोग इसको आज पढ़ रहे हैं। तो क्या वो कहना चाहती हैं उसको हम लोग समझेंगे इस अध्याय में। शुरुआत करते हैं यहाँ से। राइटिंग इन अ डायरी, डायरी को लिखना, इज अ रियली, वास्तव में, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, यह एक बहुत विचित्र अनुभव है। मतलब किसी भी प्रकार की डायरी को लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है। फॉर समवन लाइक मी, मतलब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, मतलब वो एनी फ्रैंक कहती हैं कि मेरे जैसी व्यक्ति के लिए एक डायरी को लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है। नॉट ओनली, केवल यह बात नहीं है, बिकॉज मैंने, क्योंकि आई हैव नेवर रिटन एनी थिंग बिफोर, क्योंकि मैंने इसके पहले कुछ भी लिखा नहीं है, यह बात नहीं है। मतलब वो ये भी कहना चाहती हैं कि मैंने इसके पहले कुछ नहीं लिखा है तो यह बात नहीं है, बट आल्सो, लेकिन यह है, बिकॉज मैंने, क्योंकि, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है टू मी, मैंने, मुझे, दैट लेटर, कि बाद में, ओन नाइदर नाइदर आई नॉर एनी वन, ना तो मैं और ना ही कोई व्यक्ति, एल्स विल बी इंटरेस्टेड, मतलब मैं, ना तो मैं और ना ही कोई व्यक्ति इंटरेस्ट लेगा इन द म्यूजिंग ऑफ द 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। मतलब उसने कहा कि यह बात नहीं है। यहाँ से देखिएगा, आई हैव नेवर रिटन एनी थिंग बिफोर, मैंने कुछ नहीं लिखा है, बट आल्सो बिकॉज, यह बात नहीं है, बिकॉज मैंने, क्योंकि, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है मी टू मी, मैंने, मुझे, दैट, मैंने, कि लेटर ऑन, कि कुछ समय बाद, नाइदर आई नोर एनी वन, ना तो मैं और ना ही कोई और व्यक्ति, इसके अतिरिक्त विल बी इंटरेस्टेड, मैंने, रुचि लेगा इन द म्यूजिंग, मैंने, विचारों की, ऑफ 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। उसने बोला है कि जो भी मैं डायरी में लिख रही हूँ, मुझे लगता है कि कुछ समय बाद ना तो मुझे इस पर विश्वास होगा और ना ही किसी अन्य व्यक्तियों को, कि 13 वर्ष लड़की भी कुछ विचार अपने रख सकती है। आगे देखिए, ओ विल, अच्छा, इट डज नॉट मैटर, ये कोई मामला नहीं है, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है। आई फील, मैं महसूस करती हूँ, लाइक राइटिंग, लिखना, मतलब ये कह सकते हैं कि मुझे लिखना पसंद है, मतलब मैं पसंद करती हूँ, मुझे लिखना पसंद है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और मुझे बहुत अधिक आवश्यकता है, टू गेट ऑल काइंड, सभी प्रकार की थिंग्स, माने वस्तुओं को, ऑफ माई चेस्ट, माने अपने सीने से बाहर निकालने की, मतलब सभी प्रकार की वस्तुओं को अपने सीने से बाहर निकालने की मुझे बहुत अधिक आवश्यकता है। तो सीने में कोई वस्तुएं नहीं होती हैं, सीने में विचारों का दमन होता है, या फिर विचारों को हम लोग रखते हैं। तो उसने कहा कि मेरे अंदर उठते हुए जो विचार हैं, जो जो भी विचार हैं, या फिर जिन विचारों को मैं रखती हूँ, मुझे बहुत अधिक आवश्यकता है कि मैं उन विचारों को अपने अंदर से बाहर निकालूँ और उसे किसी प्रकार से लोगों तक पहुँचाऊँ, लेकिन मेरी बातों पे कौन विश्वास करेगा, क्योंकि मैं छोटी हूँ, इसलिए मैं अपने विचारों को किसी डायरी में लिखना चाहती हूँ ताकि हो सकता है किसी को इस पर विश्वास हो। लेकिन वो ये भी कह रही हैं कि मुझे नहीं लगता है कि किसी को होगा, क्योंकि 13 वर्षीय लड़की किसी को कुछ सिखा सकती है, यह एक विचित्र बात है। तो इसका अर्थ यहाँ तक हुआ। उसने और क्या लिखा, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, पेपर के पास लोगों की अपेक्षा अधिक धैर्य होता है, पेशेंस माने धैर्य होता है। आई थॉट, मैं सोचती हूँ, ऑफ दिस सेइंग, मैं सोचती हूँ, ऑफ दिस सेइंग ऑन द दोज डेज, मैं सोचती हूँ, ऑफ दिस सेइंग, मैं उन दिनों सोचती हूँ, व्हेन आई वॉज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस, जब मैं थोड़ा उदासी में थी, डिप्रेशन से लिया गया शब्द, यह बातें मैं तब सोचती हूँ जब उन दिनों में उदासी में थी, एंड वॉज सिटिंग, और बैठी थी एट होम, मैंने घर पर, विथ माई चिन इन माई हैंड, और मेरी ठुड्डी मेरे हाथ में थी। मतलब इसके कहने का मतलब है, ये सब बातें मैं तब सोच रही थी जब मैं उन दिनों उदासी में थी और घर के बाहर बैठकर अपने ठुड्डी को अपने हाथ में, मतलब दाढ़ी जिसे कहते हैं हम लोग,
उसको अपने हाथ में रखी हुई थी और मैं इन बातों को सोच रही थी। बोर्ड, बोर्ड माने एक तरीके से बोर होना होता है। अब बोर होने को हिंदी में क्या कहोगे आप? बोर होना, हमने भी यही आम भाषा में इसी इंग्लिश शब्द का ही हम लोग भी यूज कर लेते हैं। बोर होना का मतलब उदास तो हम कह नहीं सकते हैं, बोर होने का मतलब बोरी समझ लो आप। बोर एंड लिस्टलेस, मतलब मैं बोर हो रही थी, और लिस्टलेस का मतलब शक्ति ही नहीं हो रही थी। एट होम माने घर में बैठकर, विथ मतलब मैं घर में बैठकर क्या कर रही थी, बोर हो रही थी और शक्तिहीन हो रही थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, मतलब वंडरिंग मैंने भटक रही थी कि वेदर टू स्टे कि मैं घर में ठहर जाऊं, और गो आउट या फिर घर से बाहर चले जाऊं, मतलब मैं ये भी सोच रही थी। मैं इतना परेशान हो गई थी कि मुझे लगता था कि मैं घर में रहूं या मैं घर से बाहर चले जाऊं। आई फाइनली स्टेड, अंत में मैं ठहर गई। वेयर आई वॉज बोर्डिंग, जहाँ मैं सोच रही थी वहीं पर मैं ठहर गई। यस माने हाँ। पेपर डज हैव मोर पेशेंस, कागजों के पास अधिक धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दैट स्टिप बैक नोटबुक, ग्रैंडली रिफर टू एज ए डायरी, यहाँ तक का देखिएगा। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग, मेरे पास कोई भी प्लानिंग नहीं है टू लेट माने देने की, एनी वन माने किसी को, एल्स रीड माने पढ़ने के लिए, ये कह सकते हैं मैंने, मेरे पास कोई प्लानिंग नहीं है कि मैं यह किसी को पढ़ने के लिए दूंगी। दैट स्टिप बैग्ड नोटबुक, स्टिप बैग्ड नोटबुक का मतलब जिल्द चढ़ी हुई कॉपी या जिल्द चढ़ी हुई डायरी, मतलब उसने कहा मेरे पास कोई प्लानिंग नहीं है कि मैं यह किसी जिल्द चढ़ी हुई डायरी किसी को पढ़ने के लिए दूंगी। ग्रांडली, ग्रैंडली के मतलब साधारणतया, रिफर्ड टू एज ए डायरी, जिसे कि डायरी कहते हैं, इसका मतलब समझ लीजिए कि मैं विचार बना चुकी हूँ कि मैं इस जिल्द चढ़ी डायरी नहीं, जिल्द चढ़ी कॉपी जिसको डायरी कहते हैं, वह मैं किसी को भी पढ़ने के लिए नहीं दूंगी। फिर से समझिएगा, आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड, मैं किसी भी व्यक्ति को इसे पढ़ने के लिए नहीं दूंगी, या फिर मैंने प्लानिंग की है कि मैं इसको किसी को नहीं दूंगी। दैट स्टिप बैग्ड नोटबुक, दिस मतलब यह जिल्द चढ़ी हुई नोटबुक, ग्रैंडली रेफर्ड जिसको प्रायः टू एज ए डायरी, जिसे हम लोग डायरी के नाम से जानते हैं, तो उसका कहना यह था कि यह जिल्द चढ़ी हुई कॉपी जिसको डायरी बोलते हैं, इसे मैं किसी भी व्यक्ति को पढ़ने के लिए नहीं दूंगी। अनलेस मैंने जब तक, आई वुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे एक अच्छा मित्र या सच्चा मित्र नहीं मिल जाता है, तब तक मैं ये डायरी किसी को पढ़ने के लिए नहीं दूंगी। इट प्रॉब्ली वुड नॉट मेड ए बिट डिफरेंस, अब मुझे इस बात का कोई दुख भी नहीं है, मुझे इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये बात तो आप लोग भी बोल देते हैं कि आपको बुरा लगे या भला लगे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही ये बात बोल रही है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले व्यक्ति को क्या लगेगा या फिर इस पर मेरी डायरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मैं ये डायरी किसी को पढ़ने के लिए नहीं दूंगी। आगे देखते हैं इसके, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, चलो अब मेन बात पर आते हैं। दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, मतलब चलिए मेन बात पे आते हैं, मतलब इसका मतलब है लेट मी पुट, सॉरी नाउ माने अब, आई एम बैक माने वापस होती हूँ, टू द पॉइंट माने पॉइंट पे वापस होती हूँ, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं, चलिए मेन बात पे आते हैं। दैट प्रॉम्प्ट मी, जिसने मुझे प्रेरित किया, प्रॉम्प्ट माने होता है प्रेरित करना, मी टू कीप अ डायरी, जिस बात ने मुझे एक डायरी रखने के लिए प्रेरित किया, इन द फर्स्ट प्लेस मैंने पहली बार जिस बात ने मुझे डायरी रखने के लिए प्रेरित किया, मैं उस बात पे आती हूँ। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, क्योंकि मेरे पास एक भी मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, लेट मी मुझे बताने दो, इट मोर क्लियरली माने सही सही तरीके से मुझे बताने दो। सिंस नो वन, कि कोई भी नहीं,
विल बिलीव, विश्वास करेगा दैट मनी कि 13 ईयर ओल्ड गर्ल कि 13 वर्षीय लड़की के पास इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड कि 13 वर्षीय लड़की इस संसार में बिल्कुल अकेली है। तो ध्यान से देखना फिर से, लेट मी पुट इट, मुझे बताने दो मोर क्लियरली, अधिक स्पष्टता से, कि सिंस नो वन विल बिलीव, कि किसी व्यक्ति को विश्वास ही नहीं होता दैट ए 13 ईयर ओल्ड गर्ल कि 13 वर्षीय लड़की के पास इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड कि यह लड़की पूरे संसार में एकदम अकेली है। ये बात तो सही है, आज की डेट में 1 वर्ष का बालक होगा तो वो भी अपने मित्र बना ही लेता है थोड़े बहुत, और 13 वर्षीय के मतलब अगर विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं तो विद्यालय के भी होंगे, पास पड़ोस के भी होंगे, घर के भी होंगे। तो यदि आपसे भी कोई कहे कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, तो बड़ा सुन के आश्चर्य होगा। वही चीज़ इस बात पे भी हुई थी, लेकिन हकीकत यह नहीं है, कुछ और है। आगे क्या है, एंड आई एम नॉट, लेकिन यह बात सत्य है कि मैं नहीं हूँ। इसका मतलब यह है कि यह बात सत्य है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मतलब उसने यह बात भी बोली है कि मेरा कोई मित्र नहीं है, और यहाँ ये भी बोल रही है कि मैं अकेली नहीं हूँ। कारण क्या है कि आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास प्यारे माता पिता हैं, एंड ए 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, 16 वर्षीय बहन भी है, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, लगभग 30 लोग हैं, आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिसको मैं मित्र बुला सकती हूँ। मतलब एक तरफ तो कहती है कि मित्र नहीं है, और एक तरफ कहती है लगभग 30 लोग हैं जिनको मैं अपना मित्र बुला सकती हूँ। इसका मतलब ये है इसका कहने का कि कहीं ना कहीं ऐसे मित्रों की बात कर रही है जिसको ये अपनी बातों को शेयर कर सके। आपके पास भी बहुत से होंगे, मेरे पास भी हैं, सबके पास होते हैं, लेकिन हम अपनी जो डेली दिनचर्या की बातें होती हैं या फिर अपनी जो खास बातें होती हैं, उन बातों को हम सबके साथ शेयर नहीं करते हैं, उन बातों को हम किसी विशेष व्यक्ति के साथ ही शेयर करते हैं। तो यही बात वो कहना चाहती है कि मेरे पास मित्र तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से कोई खास नहीं है जिसको मैं अपनी वो सारी बातें बता सकूं जो मैं बताना चाहती हूं। मतलब ये मित्र हैं खेलने कूदने के लिए हैं, मौज मस्ती के लिए हैं, लेकिन ऐसे नहीं हैं जिस पे वो विश्वास कर सके। आई हैव ए फैमिली, मेरे पास एक परिवार है, लविंग आंट्स, प्यारी चाचियां हैं, एंड अ गुड होम, एक अच्छा घर भी है, नो ऑन सरफेस, और सतही तौर पर देखा जाए, सतही तौर का मतलब अगर ऊपर से देखा जाए, आई सीम, तो मुझे प्रतीत होता है टू हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है। सतही तौर पे देखा जाए तो ऐसा लगता है मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, एक विश्वास पात्र मित्र को छोड़कर मेरे पास सब कुछ है। ऑल आई थिंक, मैं सोचती हूँ अबाउट व्हेन, मैंने जब आई एम विथ फ्रेंड्स, जब मैं मित्रों के साथ होती हूँ तो मैं सोचती हूँ इज हैविंग ए गुड टाइम, कि ये अच्छा समय है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जब मैं मित्रों के साथ में होती हूँ तो यह मेरा मौज मस्ती के समय होता है, या फिर ये कह सकते हैं ये जो मित्र मेरे पास हैं ये सब मौज मस्ती वाले हैं, खेलने कूदने वाले हैं। आई कैन नॉट ब्रिंग, मैं नहीं दे सकती इनको myself to talk about anything, मैं इन्हें किसी भी प्रकार की वस्तुएं नहीं दे सकती बातचीत से संबंधित। इसका मतलब ये कह सकते हैं मैं इनके साथ अपनी किसी भी पर्सनल बातों को शेयर नहीं कर सकती, बट ऑर्डिनरी एवरी डेज थिंग्स, मतलब डेली बेसिस की जो बातें हैं, जो मेरी पर्सनल बातें हैं, मैं इन बातों को किसी भी प्रकार से अपने मित्रों के साथ शेयर नहीं कर सकती हैं। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, वी डोंट सीम, वी माने हम, डोंट सीम, ऐसा नहीं प्रतीत होता है टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, मुझे ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि ये मेरे बहुत नज़दीक हैं, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही एक समस्या है। मे बी माने शायद, इट इज माई फॉल्ट, शायद ये मेरी गलती है, दैट वी डू नॉट कॉन्फाइड इन ईच अदर, शायद ये मेरी ही गलती है कि मैं अपने रहस्य को किसी दूसरे के साथ साझा नहीं कर सकती हूँ, या फिर मैं अपने रहस्य को, या मैं अपने किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकती। मतलब ये कह रही है कि मेरे लगता है कि मेरी ही समस्या है कि मैं अपने रहस्य को दूसरे के साथ साझा नहीं कर पा रही हूँ, या फिर आप कह सकते हैं ये मेरी ही समस्या है कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति पर विश्वास
नहीं कर पा रही हूँ। इन एनी केस, किसी भी प्रकार के केस में, इन एनी केस का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ भी हो, दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर, दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर, इतने का अर्थ पूरे का हो जाएगा, स्थितियाँ इसी प्रकार की हैं, मतलब परिस्थितियाँ कुछ भी हों या फिर कोई भी बात हो, लेकिन स्थितियाँ मेरे साथ ऐसी ही लगी हैं, एंड आर अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यवश दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और दुर्भाग्यवश इनको बदला भी नहीं जा सकता, अनफॉर्चुनेटली मैंने होता है दुर्भाग्यवश, तो दुर्भाग्यवश इन परिस्थितियों को हम चेंज भी नहीं कर सकते। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड ए डायरी, यही बात है जिसने मुझे डायरी लिखने के लिए प्रेरित किया। ये प्रश्न आपका पेपरों में आ सकता है कि उसे डायरी लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड ए डायरी, मतलब यही वो कथन है या फिर यही वो बात है जिसके कारण मैंने डायरी लिखना प्रारंभ कर दिया। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक करने में कमी ना छोड़ें, लाइक करते जाएं। यदि आप के पास 2-4-6 फ्रेंड हैं तो आप उन तक इस वीडियो को शेयर भी कर दें, और यदि आप भी एनी फ्रेंक की तरह अकेले हैं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो देखें और आनंद लें और अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें। लेकिन अगर आपके पास भी मित्र हैं तो आप बिल्कुल देरी ना करें, फटाफट इस वीडियो को सभी मित्रों तक शेयर करें, और उन सभी मित्रों को भी मैं कहूँगा यदि आप भी कुछ मित्र रखते हैं तो आप भी एनी फ्रेंक की तरह अपने आप को ना रोकें, आप विश्वास माने कि यह वीडियो सबके काम का है और यह आप आगे शेयर कर दें। बस इतनी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, यदि आप लोग वास्तव में तैयारी कर पा रहे हैं तो चलिए आगे देखते हैं। टू एनहेंस, एनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना, द इमेज माने चित्त ऑफ लॉन्ग अवेटेड, लॉन्ग अवेटेड माने होता है लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा रही हो, फ्रेंड माने मित्र की, इन माई इमेजिनेशन मतलब एक ऐसा मित्र, इमेजिनेशन का मतलब जो काल्पनिक है, एक ऐसा मित्र जिसकी मुझे एक लंबे समय से प्रतीक्षा रही हो, ठीक है, उसकी छवि को बढ़ाने के लिए आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन, मैं इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखूंगी, द फैक्ट मैंने ऐसे सत्यों को इन दिस डायरी मैंने इस डायरी में, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जिससे कि अधिकतर लोग लिखते हैं, मतलब कहते हैं कि एक मुश्किल में तो मुझे ऐसा मित्र मिला है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं, तो उसमें मैं कोई भी ऐसी बातें नहीं लिखूंगी जो कि सही ना हो और जिसे आम तौर पर लोग लिखते हैं। बट माई, लेकिन आई वांट, मैं चाहती हूं द डायरी टू बी माई फ्रेंड, कि यह डायरी मेरी मित्र बने या फिर इसे मैं अपना मित्र कहूं, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इसे किटी के नाम से बुलाना चाहती हूँ या फिर मैं इसे किटी के नाम से बुलाऊंगी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड, यहाँ तक कि नो वन, कोई भी नहीं वुड अंडरस्टैंड, समझ सकेगा ए वर्ड ऑफ माई स्टोरेज, मेरी कहानियों का कोई एक शब्द भी नहीं समझ सकेगा, टू किटी, जो किटी में लिखी गई हैं, इफ आई वेयर टू प्लंग राइट इन, यदि मैं बिना भूमिका के लिखने लगूं तो कोई एक शब्द भी न समझ सकेगा जिसे मैंने किटी में लिखा है। आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, मैं अपने जीवन का, आई वुड बेटर प्रोवाइड, मैं बेहतर प्रोवाइड करना चाहती हूँ, देना चाहती हूँ, ब्रीफ स्केच माने चरित्र चित्रण ऑफ माई लाइफ, मैं अपने जीवन का एक बेहतर चित्रण या संक्षिप्त जीवन परिचय देना चाहती हूँ, मच एज डिसलाइक डूइंग सो, लेकिन मुझे ऐसा करना डिसलाइक मैंने पसंद नहीं है, माई फादर, मेरे पिता, द मोस्ट एडोरेबल फादर, एक पूजनीय पिता हैं, आई हैव एवर सीन, जहाँ तक मैं जानती हूँ, डिड नॉट मैरी माई मदर, उन्होंने मेरी माँ से शादी नहीं की, अनटिल जब तक ही वॉज 36 एंड सी वॉज 25, जब तक वो 36 के नहीं हो गए और मेरी माँ 25 की नहीं हो गई, तब तक उन्होंने मेरी माँ से शादी नहीं की। माई सिस्टर मार्गोट, मेरी जो बहन मार्गोट है, वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, मार्गोट का जो जन्म है जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था, 1926 में हुआ था। आई वॉज बोर्न ऑन
12 जून 1929 और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4। जब तक मैं 4 वर्ष की नहीं हो गई तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर, जो मेरे पिता थे, इमिग्रेटेड माने होता है बस गए टू होलैंड, माने होलैंड में, इन 1933। मेरे पिताजी 1933 में होलैंड में बस गए। माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक, जिसका नाम एडिथ होलैंडर फ्रैंक है, वेंट विथ हिम, उनके साथ चली गई टू होलैंड इन सेप्टेम्बर। वह सेप्टेम्बर में उनके साथ चली गई थी। वाइल मैंने, जबकि मार्गोट एंड आई, मार्गोट और मैं, वेयर सेंट टू एचिन, मतलब एचिन भेज दिए गए, टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के पास भेज दिए गए। मार्गोट वेंट टू होलैंड इन दिसंबर, और मार्गोट दिसंबर में कहाँ गई थी, होलैंड गई थी। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मुझे आने वाली फरवरी को वहाँ पर भेज दिया गया था होलैंड। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल, व्हेन माने जब, आई वाज प्लंक्ड डाउन, प्लंक्ड डाउन का मतलब आप ये कह सकते हो कि प्लंक्ड का मतलब प्लंक डाउन का मतलब सजा कर रखना कह सकते हैं। प्लंक डाउन माने सजा कर रख दिया गया। ऑन द टेबल माने टेबल पे, एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गेट, मतलब मार्गोट के बर्थडे में मुझे एक उपहार की तरह सजा कर रख दिया। मतलब एक दोनों बहनों का प्रेम है जो एक दूसरे के प्रति था, तो उन्होंने अपनी छोटी बहन को इस प्रकार सजा के बैठा दिया कि जैसे मतलब वो एक बर्थडे गिफ्ट हो। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी स्कूल, मैंने शुरुआत कर दिया मोंटेसरी नर्सरी स्कूल जाना शुरुआत कर दिया। आई स्टेड देयर अनटिल आई वाज 6, मैं वहाँ तब तक ठहरी जब तक मैं 6 वर्ष की नहीं हो गई। एट विच टाइम, यह समय था, आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, यह वह समय था जब मैं पहली कक्षा में थी। इन द 6, और जब मैं 6 वर्ष की हो गई तो फ्रॉम, इन द 6 फ्रॉम माई टीचर, 6 वर्ष की नहीं, जब मैं 6 में थी तो फ्रॉम माई टीचर, तो मेरी अध्यापिका थी, वाज मिसेस क्यूप्रस, उनका नाम मिसेस क्यूप्रस था, द हेड मिस्ट्री, जो मुख्य अध्यापिका भी थी। तो जब मैं 6वीं में पढ़ती थी तो मेरी जो मुख्य अध्यापिका थी उनका नाम मिसेस क्यूप्रस था। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में, वी वेयर बोथ, हम दोनों लोग, इन टीयर्स माने आंसू बहा रहे थे, एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, एक हृदय तोड़ने वाली विदाई के कारण। मतलब जैसे कि स्कूल आपका जहाँ तक भी होगा वहाँ तक पढ़ाई करने के बाद में आप अगले स्कूल के लिए जाते हैं, तो जाने के पहले एक स्कूल में विदाई समारोह होता है, तो विदाई समारोह इसी कारण से होता है ताकि आपका कार्यकाल कैसा रहा, आपने अपना समय कैसा व्यतीत किया। तो यही चीज़ इनके साथ भी था कि ये बच्चे स्कूल छोड़ के जा रहे थे तो उनकी जो हेड टीचर थी वो और बच्चे, इन तो ये दोनों लोग रो रहे थे क्योंकि इन दोनों के बीच में अलगाव हो रहा था। आगे देखिए, इन द समर, गर्मियों में, ऑफ 1941 की गर्मियों में, ग्रैंड माँ, दादी माँ, फेल एल माने बीमार हो गई, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनके एक ऑपरेशन होता है। सो मैंने इस प्रकार, माई बर्थडे पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन, इस प्रकार मेरा जो जन्मदिन था वो एक छोटे सेलिब्रेशन के तौर पे गुजर गया। ग्रैंड माँ डाइड, दादी माँ ख़त्म हो जाती हैं इन जनवरी 1942 जनवरी 1942 को दादी माँ का निधन हो जाता है। नो वन, कोई नहीं जानता, नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कि मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ, ये मतलब ये बात कोई नहीं जानता है कि मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ। एंड स्टिल लव हर, और मैं उनसे कितना प्रेम करती हूँ। दिस बर्थडे, ये जो जन्मदिन है, मतलब जो जन्मदिन मैं मना रही हूँ, सेलिब्रेशन इन 1942 1942 का जन्मदिन जो मैं मना रही हूँ, वाज इंटेंटेड, वह मतलब इंटेंटेड का मतलब हम क्या कहें, मनाया जाएगा या मनाया जा रहा है, टू मेक अप फॉर द अदर, अन्य के साथ मनाया जा रहा है। एंड ग्रैंड माँ कैंडल वाज लिट, लेकिन वहाँ पर दादी माँ के नाम की भी कैंडल जलाई गई है, अलोंग विद द रेस्ट, अन्य कैंडलों के साथ में दादी माँ के नाम की भी कैंडल वहाँ पर जलाई गई है। मतलब इस बात से यह प्रदर्शित होता है कि यदि मैं अपने बर्थडे के साथ में अपने किसी पूर्वज के लिए भी एक मोमबत्ती जला रहा हूँ या जला रही हूँ, तो यह बात प्रदर्शित करती है कि मैं उस व्यक्ति से विशेष प्रेम करता हूँ।
तो ये चीज़ है यहाँ पे, द फोर ऑफ अस, हम चारों लोग आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों लोग अभी भी बेहतर हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी, दैट ब्रिंग्स मी, और यह बात मुझे टू प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, मतलब हम चारों लोग अभी भी सलामत हैं, यह बात मुझे 20 जून 1942 की वर्तमान तिथि तक मेरी डायरी में लिखी गई है। ठीक है, मतलब 20 जून 1942 तक मेरी डायरी में जो बातें लिखी थी वह बातें बताई गई हैं इसमें। एंड द सोलेमन, नहीं हाँ, सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और यही चीज़ मेरी डायरी को समर्पित करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि मेरी डायरी के प्रति जो समर्पित गहन भावनाएं हैं ये मुझे उस ओर ले जाती हैं। मतलब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डायरी में मेंशन होंगी, तो वो चीज़ें दिखा रहा है कि यही बातें जो हैं कहीं ना कहीं मुझे डायरी की ओर आकर्षित करती हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अध्याय उतना कठिन नहीं है। हाँ, कुछ शब्द कठिन हो सकते हैं, तो जो चीज़ें आपको थोड़ा सा कठिन लगे वहाँ पर आप वीडियो को रोककर और उसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसने एक पत्र लिखा था 20 जून 1942 को, डियरेस्ट किटी, प्रिय किटी, आवर एंटायर क्लास, मेरी पूरी क्लास इज क्वेकिंग, क्वेकिंग माने भैंसे कांप रही है, इन इट्स बूट्स, इन इट्स बूट्स, क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, इस पूरे के मतलब भैंसे कांप रही है। द रीजन, इसका कारण है, ऑफ कोर्स माने वास्तव में, इज द फोर्थ कमिंग माने आने वाली, मीटिंग माने मीटिंग, इन विच द टीचर डिसाइडेड हु विल मूव अप एंड द नेक्स्ट फ्रॉम द हु विल बैकअप, मतलब कह रहे हैं कि पूरी क्लास भय से कांप रही है, उसका एक कारण है कि जो आने वाली मीटिंग है वहाँ पर सभी अध्यापक एकत्र होंगे और इसके बाद में यह डिसाइड होगा कि कौन से बच्चों को आगे भेजना है और कौन से बच्चे अभी पिछली क्लास में ही रह जाएंगे। हाफ द क्लास, आधी कक्षा, इज मेकिंग बिट्स, आधी कक्षा तो शर्त लगाने लगे, जी एन एंड आई, जी एन और आई होगा कोई, जी एन, जी एन एंड आई लाफ ओवर सिलेबली सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, जी एन और आई मतलब दो छात्र हैं जिसमें से कोई जी एन है और मैं, पीछे बैठे हुए दो छात्र हैं वो सी एन है और जैक्स है। ठीक है, पीछे बैठे हुए जो छात्र हैं जी, फिर से देखिएगा, जी एन एंड आई, जी एन और आई मान जी एन और मैं, लाफ माने हंसी, ओवर सेल्फ सिली माने मूर्खतापूर्ण, एट द टू बॉयज, दो बच्चों पे, बिहाइंड अस जो हमारे पीछे बैठे थे, मतलब जी एन और आई मतलब जी एन और मैं उन दो बच्चों पे हंसे जो हमारे पीछे बैठे हुए थे, मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे थे, सी एन एंड जैक्स जिनका नाम सी एन जैक्स था, हु हैव सेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑफ देयर बेट, जिन्होंने अपने पूरे गर्मियों की जो भी बचत थी उसको बेट माने शर्त पे लगा दिया था, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक, इट्स यू आर गोइंग टू पास, इसी तरह समय गुजर जाता था, कैसे, नो मैं नहीं, आई एम नॉट, मतलब तुम पास होगे कि मैं पास हो जाऊंगा, नहीं मैं पास नहीं हो रहा हूँ, तुम पास हो जाओगे, ये लिखा ना, नो नहीं मैं नहीं पास हो पाऊँगा, आई एम नॉट मैं नहीं हो सकता हूँ, यस यू आर तुम पास हो जाओगे, नो मैं नहीं, तो इस तरह की बातें पूरे दिन चलती रहती थी। इवन मैंने यहाँ तक जी एंड आई, मतलब यहाँ पर कुछ शब्द मिसिंग मुझे लगता है, इवन जी तो सही है, प्लेटिंग माने गुस्से में, ग्लांस माने देखा, एंड माई एंग्री ओवर बर्ड्स कैन नॉट काम देम डाउन, इसका अर्थ ये कह सकते हैं यहाँ तक कि जो जी की अनुरोध करती दृष्टि है, जी के मतलब कोई अध्यापक होंगे तो उनके जो अनुरोध करती दृष्टि और मेरी क्रोध भरी जो आँखें थी उन वो भी चुप नहीं करा सके उन बच्चों को, मतलब जो क्लास के अध्यापक होंगी और उन्होंने भी रिक्वेस्ट की बच्चों से कि इस तरह की चर्चाएं ना करो, मतलब और मैंने भी क्रोध भरी दृष्टि से देखा लेकिन वो भी उनको शांत नहीं करा सकें। इफ़ यू आस्क मी, यदि कोई मुझसे कहे, देयर आर सो मैनी डमीज, यहाँ पर कितनी डमी है, डमी का मतलब मूर्ख है, यहाँ पर कितनी डमी है, दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास, तो मैं ये कह दूँगी कि हमारी क्लास में से एक चौथाई भाग जो है वो डमियों का है, शुड बी केप्ट बैक, जिनको पीछे हो जाना चाहिए, बट माने लेकिन, टीचर आर द मोस्ट अनप्रेडिकेबल क्रीचर ऑन द अर्थ, लेकिन जो अध्यापक है, अनप्रेडिकेबल माने आप कह सकते हो अनुमान लगाना, क्रीचर माने प्राणी ऑन द अर्थ,
लेकिन अध्यापक एक ऐसा प्राणी है जिस पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। प्रेडिकेबल माने होता अनुमान लगाना, अनप्रेडिकेबल माने अनुमान न लगाना। तो कहते हैं कि टीचर एक ऐसा प्राणी है इस दुनिया में जिस पर कोई अनुमान नहीं लगा सकता है कि यह इंसान किसको पास करेगा और किसको फेल करेगा। आप भी जानते होंगे कि आपने कितने प्रतिशत सोचा है और कितने प्रतिशत आ गया। हो सकता है कोई व्यक्ति फेल होने वाला हो उसे पास कर दिया जाए, हो सकता है कोई व्यक्ति फेल होने वाला हो उसे क्लास में पहला स्थान दिया जाए, हो सकता है कोई व्यक्ति पास होने वाला हो उसको सिर्फ पास ही किया गया हो सकता है किसी के बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए लेकिन उसको थर्ड डिवीजन से पास किया गया हो। कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो टीचर को एक ऐसा महान क्रिएचर बोल दिया गया है इसकी तरफ से। ऐसा होता है, मतलब अगर पारदर्शिता से अगर कॉपियां चेक हों तो शायद ऐसी बातें ना उठें। यहाँ पर किटी ने भी यह सवाल उठाया है कि अगर पारदर्शिता से कॉपी चेक हों तो वास्तव में इस क्लास का एक चौथाई भाग भी पास होने लायक नहीं है, या फिर एक चौथाई भाग को तो अलग कर देना ही चाहिए। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि क्लास के 100 में 100% बच्चे पास हो रहे हैं। तो इसका मतलब यही बात है कि कहीं ना कहीं टीचर एक ऐसा प्राणी है जिस पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि क्या कर सकता है ये। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखते हैं अगला पैराग्राफ को। आई एम नॉट सो वरीड, आई एम नॉट सो वरीड, मैं इतना चिंतित नहीं हूँ अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मतलब मैं इतना चिंता नहीं रखती हूँ न तो अपनी सहेलियों की और ना ही अपनी। तो आप कह सकते हैं मुझे अपनी सहेलियों तथा अपनी इतनी चिंता नहीं है। आई एम नॉट वरीड, मैं इतना चिंतित नहीं हूँ अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ, मतलब अपने जो गर्ल्स उसकी दोस्त हैं उनके द्वारा और उसके स्वयं के द्वारा वो इतने चिंतित नहीं हैं। वी शैल मेक इट, हम तो पास जाएंगे जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट, केवल मतलब आई विल मेक इट, मतलब हम पास जाएंगे, इसका मतलब ये समझ सकते हैं हम पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इस लाइन का अगर अर्थ ना समझ में आया तो मैं बताऊं कि वो रिजल्ट को लेकर चिंतित थे तो उसने क्या कहा, आई एम नॉट सो वरीड, मुझे चिंता नहीं है अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड सर्कल की लड़कियां हैं वो सभी पास हो जाएंगी, एंड माई सेल्फ, और मैं भी पास हो जाऊंगी। आई सेल सॉरी वी सेल मेक इट, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट, केवल एक विषय है आई एम नॉट श्योर, जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ अबाउट इट, मैथ्स, वह विषय मैथ का है। एनी वे, फिर भी, आल वी कैन डू इट वेट, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, कैन डू इट वेट, केवल हमारे पास इंतज़ार ही है, इंतज़ार के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अनटिल मैंने जब तक, देन तब तक हम लोग क्या करें, वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर्ट, तब तक हम क्या करें, वी कीप टेलिंग, एक दूसरे से कहें कि नॉट टू लूज हर्ट, कि अपने हृदय को ढीला ना करो। इसका मतलब ये हुआ कि तब तक हम एक दूसरे का ढाढ़स बंधाएं, तब तक हम एक दूसरे का साहस बंधाएं। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये बातें हो जाती हैं कि सभी लोग चिंतित हैं कि पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा, कौन पास होता है कौन फेल होता है। तो यहाँ पर वो कहती है कि न तो मुझे अपनी चिंता है न मुझे मेरी सहेलियों की चिंता है, हम लोग पास हो जाएंगे, लेकिन एक विषय में थोड़ा सा चिंता है, वह विषय मैथ का है, लेकिन हम लोग कर क्या सकते हैं, हम पास हैं फेल हैं लेकिन हम लोग कर क्या सकते हैं, हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं। तो इसलिए जब तक रिजल्ट नहीं निकलता है तब तक हम लोग एक दूसरे का साहस बंधाएं। आगे देखिए, आई गेट, किसी किसी किताब में गॉट दिया गया है, आई गोट या फिर आई गेट जो भी है, आई गो गेट एलोंग प्रीटी वेल, प्रीटी वेल सब कुछ बेहतर होगा, या फिर ये कह सकते हैं आई गेट या आई गोट अलोंग प्रीटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, मतलब मैंने गेट अलोन प्रीटी वेल, सबसे अच्छे संबंध बना रखे हैं ऑल माई टीचर्स, मतलब मेरा सभी अध्यापकों के साथ अच्छा संबंध है। देर आर 9 ऑफ देम, हमारे विद्यालय में 9 अध्यापक हैं जिसमें 7 आदमी हैं एंड 2 वुमेन, और 2 महिलाएं अध्यापक हैं। मिस्टर किसिंग, जो मिस्टर किसिंग है द ओल्ड फोगी, ये पुराने विचारधारा के व्यक्ति हैं,
हु टीच मैथ, जो हम लोगों को गणित पढ़ाते हैं। वाज एनॉयड, एनॉयड माने कह सकते हो नाराज़ हो जाते हैं। वो नाराज़ हो जाते हैं किससे? मेरे से नाराज़ हो जाते हैं। फॉर एज, लंबे समय से, ये कह सकते हैं कि वो लंबे समय से मेरे से नाराज़ हैं। बिकॉज माने क्योंकि, आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं बहुत अधिक बात करती हूँ इसलिए वो लंबे समय से मुझसे नाराज़ हैं। आफ्टर सर्वल वार्निंग, मतलब उन्होंने कई बार मुझे चेतावनी दी है। ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, वो मुझे अतिरिक्त होमवर्क भी देते हैं, मतलब असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। तो असाइंड का मतलब होता है, क्या कहेंगे आप, दिया जाना कह सकते हैं, या फिर आप यही समझिए, असाइंड का मतलब होता है जो किसी के द्वारा दिया जाता है। तो इसमें यही चीज़ है, आपने कहीं कहीं सुना होगा असाइनमेंट लेटर, तो मतलब वो पत्र दिया जा रहा है, वहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर यही मतलब है कि वो मुझे अतिरिक्त होमवर्क दिया करते थे मेरी इन गलतियों के कारण। आगे देखिएगा, एन एजी सॉरी एन ए से ऑन ए सब्जेक्ट, उन्होंने जो इस बार निबंध मुझे दिया था उसका जो टॉपिक क्या था, ए चैटर बॉक्स, एक बातूनी लड़की। तो ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट टॉक सॉरी व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, तो तुम इसके बारे में क्या जानते हो या फिर क्या लिख सकते हो। आई डिड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिड वरी अबाउट दैट लेटर, मतलब ये लेटर का काम अतिरिक्त उसको दे दिया गया था, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय उसके लिए बन गया था। क्योंकि एक बातूनी विषय में आप क्या लिख सकते हैं, आप स्वयं विचार करिए, यदि हम में से किसी को भी मिल जाए कि एक बातूनी के विषय में कुछ लिखना है तो क्या लिखेंगे। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, क्या लिखेंगे आप इसके बारे में। आई डिड वरी अबाउट, मतलब मैं चिंतित हो गई, मतलब इसकी चिंता जो थी वो मुझे होने लगी है। लेकिन फिर उसके बाद क्या कहती है, आई डिड वरी अबाउट दैट लेटर, लेकिन इसकी चिंता मैं बाद में कर लूँगी। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय कर लिया है कि आई जोटेड, आई जोटेड द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने उस टाइटल को, मतलब जो टाइटल दिया गया था उनके द्वारा, जोटेड का मतलब आप लिख सकते हैं कि लिखा गया, तो मैंने लिख दिया डाउन द टाइटल, जो टाइटल मुझे दिया गया था इन माई नोटबुक, मतलब जो होमवर्क दिया गया था उसको उसने नोट कर लिया है कि ये मुझे काम करना है। और टक्ड इन माई बैग, और मैंने उस नोटबुक को बैग में रख लिया। एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और फिर से शांत होकर बैठ गई। इस पैराग्राफ आपको दोबारा देख लीजिए, आई गेट एलोंग प्रीटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, मैंने सभी अध्यापकों के साथ मधुर संबंध बना के रखे हैं। देयर आर 9 ऑफ देम, कुल मिलाकर 9 अध्यापक हमारे स्टाफ में हैं। 7 मैन एंड 2 वुमेन, 7 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फुग्गी हु टीचिज मैथ, मिस्टर किसिंग जो है वो पुराने विचारधारा के व्यक्ति हैं जो हमको गणित पढ़ाते हैं। वाज एनॉयड विथ मी फॉर एज, वह मतलब मेरे से लंबे समय से नाराज़ चल रहे हैं। बिकॉज मैंने क्योंकि, आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं बहुत अधिक बात करती हूँ। आफ्टर सर्वल वार्निंग, उन्होंने कई बार मुझे चेतावनी दे डाली। ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, और वो मुझे इस गलतियों के कारण अतिरिक्त होमवर्क भी देते हैं। इस बार उन्होंने क्या किया, एन ए सी ऑन द सब्जेक्ट, उन्होंने एक सब्जेक्ट पर ए सी लिखने को कहा, वह सब्जेक्ट था ए चैटर बॉक्स, मतलब कि आप किसी बातूनी विषय पर निबंध लिखो। तो ए चैटर बॉक्स, वह सोचती है, ए चैटर बॉक्स व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, इसके बारे में क्या लिख सकते हैं आप, क्या मालूम है आपको। आई डिड वरी दैट लेटर, मैंने इसकी चिंता छोड़ दी। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया कि मैं इसकी चिंता छोड़ दूं। आई जोटेड डाउन, मैंने क्या किया, उस शीर्षक को एक नोटबुक पर लिख लेते हैं। डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने नोटबुक पर उस टाइटल को लिख लिया। टक्ड इन माई बैग, और उसको बैग में रख देते हैं। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत रहने का प्रयास करते हैं। दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर आई डिड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने पूरे काम को समाप्त कर लिया, आई शुड होना चाहिए, लिखा नहीं है वैसे,
आई शुड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने अपने काम को समाप्त कर लिया तो नोट अबाउट द एसे, जो ये नोट था अबाउट द एसे कॉट माई आइस, मेरी आँखों में पड़ा, मतलब जब मैंने पूरा काम निपटा लिया तो उस नोट पर मेरी नज़र पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग, मैं सोचने लगी अबाउट द सब्जेक्ट, इस विषय के बारे में मैं सोचने लगी। वाइल च्यूइंग, च्यूइंग का मतलब आप क्या कह सकते हैं, चबाना, मतलब मैं चबाने लगी, क्या चबाने लगी, द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, जो फाउंटेन पेन होता है उसके सबसे अगले हिस्से में जो नोक लगी होती है उसी को चबाने लगी। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, एनी वन माने कोई भी, कुड रैम्बल, रैम्बल का मतलब आप एनी वन माने कोई भी, कुड रैम्बल का मतलब ये कह सकते हैं कि लिख सकते हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति लिख सकता है। ऑन द लीव बिग स्पेस, बड़ी बड़ी जगह को छोड़कर, बिटवीन द वर्ड्स, मतलब कोई भी निबंध को लिख सकता है। अगर आपसे कहा जाए कि आपको 3 पेज का निबंध लिखना है तो आप दो दो तीन तीन लाइनें छोड़कर लिखोगे और बड़े 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 अक्षर में, और बड़े बड़े अक्षर के कारण और लाइन छोड़ने के कारण आपका 3 पेज का निबंध पूरा हो जाएगा, जबकि वास्तव में देखा जाए तो वो आधे पेज का ही निबंध है। तो इसी प्रकार वो कह रही है कि निबंध तो ऐसा है कि कुछ भी लिखा जा सकता है, बड़े बड़े अक्षरों से लाइन छोड़ छोड़ कर भी लिखा जा सकता है, लेकिन कुछ और सोचती है वो, क्या सोचती है देखते हैं। बट द ट्रिक वॉज कम अप वेन कन्विंसिंग आर्गूमेंट टू द प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, मतलब बट मैं लेकिन, द ट्रिक वॉज द कम अप, उसके दिमाग में एक विचार आया, विथ कन्विंसिंग आर्गूमेंट, इस बातचीत के सिलसिले को, मतलब कन्विंसिंग, कन्विंसिंग का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से विश्वास दिलाना, आर्गूमेंट माने बातचीत के लिए, टू प्रूव और ये सिद्ध कर देना, द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बातचीत करना एक प्रकार से बहुत ही आवश्यक चीज़ है, इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, मतलब वह कुल मिला के साबित करना चाहती थी कि एक विद्यार्थी के लिए बातचीत करना ये एक बेहतर गुण होता है, इसके बिना कोई भी छात्र नहीं रह सकता है। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट और फिर सोचा, एंड सडनली और अचानक, आई हैड एन आइडिया, मेरे पास एक विचार आया, आई रोट द 3 पेजेज, मैंने 3 पेज में लिख डाला, मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी, जो मिस्टर किसिंग ने मुझे दिया था उसको मैंने 3 पेज में लिख डाला, एंड वाज सेटिस्फाइड, और मैं संतुष्ट हो गई, लिखने के बाद मैं संतुष्ट हो गई। आई आर गुड, मैंने प्रार्थना की, दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेथ, मैंने उसमें प्रार्थना की थी कि जो टॉकिंग होती है, बातचीत करने का सिलसिला होता है, वो स्टूडेंट का ट्रेथ, मतलब यही एक विद्यार्थी की पहचान होती है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट, और इसके लिए मैं क्या करूँगी, आई वुड डू माई बेस्ट, मुझसे जो बेहतर हो सकता है, टू कीप चुप रहने का, इट अंडर कंट्रोल, मतलब जितना अधिक हो सकता है मैं इसको अपना काबू में रखने का प्रयास करूँगी। मतलब इसने ये तर्क दिया कि बात करना छात्रों का गुण होता है, लेकिन फिर भी मेरे से जितना प्रयास हो सकेगा उतना मैं बात करने की इस आदत को कंट्रोल में रखूँगी। तो इस पर अगर आपको एक बार दोबारा देख लेते हैं, दैट इवनिंग इस समय आफ्टर शुड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने अपने काम को समाप्त कर लिया, द नोट अबाउट द एसे, तो मेरी नज़र उस नोट पर पड़ी जो कि एसे लिखने के लिए कहा गया था, कॉट माई आइस, वहाँ पर मेरी आँख पड़ी या फिर मैंने उस चीज़ को देखा। आई बिगेन थिंकिंग, मैं सोचने लगी अबाउट द सब्जेक्ट, इस विषय में सोचने लगी। व्हेन च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, और मैं अपने फाउंटेन पेन का जो अगला हिस्सा है जिसे आप लोग नोक कहते हैं उसे मैं चबा रही थी। एनी वन कुड रैम्बल ऑन द लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड, मतलब कोई भी इसको लिख सकता था, बड़े बड़े स्पेस को छोड़कर इस निबंध को पूरा किया जा सकता है। बट द ट्रिक वॉज द कम अप, लेकिन मेरे एक दिमाग में विचार आया, विथ कन्विंसिंग, कि उसको कन्विंस किया जाए, उसको विश्वास दिलाया जाए, आर्गूमेंट माने बातचीत करने
के जरिए से टू द प्रूफ और सिद्ध कर दिया जाए द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, जो बातचीत करना है वो एक आवश्यक गुण होता है। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट और सोचा, एंड सडनली और अचानक, आई हैड एन आइडिया, मेरे दिमाग में एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस, मैंने 3 पेज लिख डाले। मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी, जो मिस्टर किसिंग ने मुझे काम दिया था उस पर मैंने 3 पेज लिख डाले। एंड वाज सेटिस्फाइड, और मैं संतुष्ट हो गई। आई आर गुड, मैंने प्रार्थना की। दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेथ, ये बातचीत करना एक विद्यार्थी का गुण होता है। एंड दैट आई वुड डू बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, लेकिन मेरे से जितना भी हो सकेगा उतना मैं इस आदत को कंट्रोल में रखूंगी। बट माई, लेकिन, दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ टू द हैबिट। बट माने, लेकिन, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, लेकिन मैं इस आदत का जो समाधान है, एबल टू क्योर माई सेल्फ, मेरे से जितना अधिक हो सके करूँगी, लेकिन नेवर शब्द यहाँ पर दिया गया है, तो आई वुड नेवर, लेकिन मैं कभी नहीं बी एबल, समर्थ हो सकती टू क्योर माई सेल्फ, अपने आप को सुधारने में, ऑफ द हैबिट, मैं इस आदत को, मतलब मैं इस आदत को पूरी तरह कभी नहीं सुधार सकती हूँ। सिंस माई मदर, क्योंकि मेरी जो माँ है, टाग्ड एज मच एज, वो बहुत अधिक बात करती हैं। आई डिड इफ नॉट मोर, मतलब जो मेरी माँ है वो मेरे से भी जितना, मेरे से भी अधिक बात करने वाली हैं। तो इसने आगे ये भी कहा कि एंड दैट देर आज नॉट मच यू कैन अबाउट इनहेरिटेड थ्रेड्स, मतलब जो भी चीज़ें हमें विरासत में मिलती हैं, इनहेरिटेज माने होता है विरासत में, थ्रेड्स माने गुण, तो जो आदत हमें विरासत में मिलते हैं उनमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। जैसे आप देखते होंगे कि कुछ माता पिता सीधे हैं और उसके बच्चे भी सीधे होते हैं, कुछ माता पिता इंटेलिजेंट है और उसके बच्चे भी इंटेलिजेंट है, कुछ माता पिता ऐसे हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं और उनके बच्चे भी ऐसे हैं जिनका पढ़ने में मन ही नहीं लगता। तो कुछ आदत ऐसी हैं, जो कुछ गुण ऐसे होते हैं जो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, उनको बदला नहीं जा सकता। तो उसने यही कहा कि मेरे से जितना हो सकेगा मैं कंट्रोल करूँगी, लेकिन अगर आप कहो कि मैं बिल्कुल बंद कर दूँ तो ये मेरे से नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी माँ जो है वह भी इससे अधिक बात करती है। और एंड दैट देयर आर नो मच यू कैन डू अबाउट हेरिटेटेड ट्रेथ, और जो ये विरासत में मिले हुए गुण हैं इनको बदला नहीं जा सकता है। आगे देखिएगा, मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ, मिस्टर किसिंग उस पर हंसे। एट माई आर्गूमेंट, माने मेरी इस बातचीत के सिलसिले पर वो हंसे। बट माने, लेकिन, व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू आउट, लेकिन प्रोसीड माने मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है, मैंने आगे बढ़ा दिया जब इस बातचीत के सिलसिले को मैंने फिर से आगे बढ़ा दिया। तो द नेक्स्ट लेसन माने अगले अध्याय में, तो ही असाइंड मी ए सेकेंड एसे, तो फिर मुझसे वो नाराज़ हो जाते हैं और फिर से वो मुझे एक दूसरा एसे लिखने के लिए बोल देते हैं। दिस टाइम इट वॉज सपोज्ड टू बी ऑन एन इनकोरेजिएबल चैटर बॉक्स, इस बार उन्होंने जो मुझे निबंध दिया था, मिस्टर किसिंग ने इस बार जो मुझे निबंध दिया था लिखने के लिए, उसका विषय था एक कभी ना चुप होने वाली लड़की, मतलब ये कह सकते हैं कि एक ऐसी लड़की जिससे हम असाध्य बातूनी कह सकते हैं। तो उसने कहा कि इस बार, पहले तो आपने बातूनी पे निबंध लिखा, अब आप ऐसे टॉपिक पे निबंध लिखो जिसका शीर्षक है एक असाध्य बातूनी लड़की, या फिर ऐसी लड़की जिससे कभी चुप ना किया जा सके, ऐसी लड़की। आई हैंडेड इट इन, आई माने मैंने, हैंडेड इट इन, मैंने इसे भी लिख कर दे दिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट टू होल लेसन, और मिस्टर किसिंग जो थे वो 2 अध्याय तक मेरे से कुछ भी नहीं बोले, मतलब नथिंग टू कंप्लेन, किसी प्रकार की कंप्लेन नहीं की, अबाउट फॉर टू होल लेसन, 2 अध्याय तक उन्होंने मेरे से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की, या फिर ये कह सकते हो 2 पाठ पढ़ाने तक मिस्टर किसिंग को किसी भी प्रकार की मेरे से समस्या
नहीं हुई। हाँ व्यूअर ने फिर भी ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, लेकिन जैसे ही तीसरा लेसन चालू होता है, ही डिड फाइनली हैड इनफ, लेकिन इस बार तो हद हो जाती है। ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, जैसे तीसरा लेसन स्टार्ट होता है, तो मिस्टर किसिंग क्या कह रहे हैं कि अब तो हद हो गई एनी फ्रैंक, एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग, इस बातचीत के सिलसिले को के कारण जो आपको पनिशमेंट दिया जा रहा है इन क्लास, इस कक्षा में, राइट इन ऐसे इंटेंटेड, मतलब इस बार फिर से तुम्हें बातचीत के कारण एक ऐसे का काम दिया जा रहा है। इस बार ऐसे जो है वो क्या है, क्वेक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, मतलब जिसका शीर्षक है क्वेक 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 श्रीमती बातूनी ने कहा। ना समझ में आया तो फिर से एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा कठिन तो है ही है। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ, मिस्टर किसिंग हंसे एट माई आर्गूमेंट, मेरी बहस पे मिस्टर किसिंग हंसे, बट माई लेकिन फिर आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू आउट द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब मैंने दूसरे लेसन के दौरान पे अपने बातचीत का सिलसिला जारी कर दिया, तो ही असाइंड मी ए सेकेंड ऐसे, तो उन्होंने मुझे एक दूसरा ऐसे लिखने को कह दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ओन एन इनकोरिटेबल चैटर बॉक्स, इस बार उन्होंने जो निबंध दिया था उस निबंध का शीर्षक था एक असाध्य बातूनी लड़की, मतलब जिसको कभी चुप ना कराया जा सके। आई हैंडेड इट इन, मैंने इसको भी लिख कर दे दिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फोर टू होल लेसन, लेकिन जब तक उन्होंने दो लेसन पढ़ाए उनको मेरे से कोई समस्या नहीं हुई। हाउ एवर मैंने फिर भी ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, जब वो तीसरे लेसन में आ गए, तो ही डिड फाइनली हैड इनफ, तो इस बार वो क्या कहते हैं कि इस बार हद हो गई एनी फ्रैंक, एज पनिशमेंट, अब आपको दंड दिया जाएगा फॉर टॉकिंग माने बातचीत के लिए, इन क्लास माने इसी कक्षा में, राइट इन ऐसे एक ऐसे लिखो इंटेंटेड, मतलब जिसका जो टाइटल है क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, इस टाइटल पे आप एक निबंध लिख कर दिखाओ, मतलब इस तरह देखिए वो नाराज़ हो जाते हैं उस बच्ची पे और उसको इस तरह की बातें बोलते हैं। द क्लास रोड, तो कच्चा दहाड़ी, तो दहाड़ना शब्द अच्छा ही लगता है, तो आप कह सकते हैं कक्षा के सभी बच्चे हंसने लगे। आई हैड टू लाफ टू, मैं भी हंसी। थॉट आई डिड नियरली एग्जाइटेड माई इन जेन्यूटी, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब द क्लास रोड, क्लास दहाड़ी, मतलब क्लास के सभी बच्चे हंसने लगे। आई हैड टू लाफ, मैं भी हंस ली। दो माने यद्यपि, आई डिड नियरली एग्जाइटेड, मतलब मेरा समाप्त हो चुका था, माई इन जनरिटी, जो मेरा जो अनुभव था, जो मेरा मतलब लिखने का सिलसिला था, क्योंकि मैं दो निबंध ऑलरेडी लिख चुकी थी, तो मेरी जो शब्द सीमा थी वो एक तरीके से ख़त्म हो गई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँगी। ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स का निबंध लिखते लिखते मतलब मुझे मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो चुका था और अब मेरी जो थकान की सीमा थी वो बढ़ गई थी। आगे देखिए, इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समवन एल्स, इट वॉज टाइम, ये वह समय था, कम अप टू माई समवन एल्स, अब वह समय था जब मुझे कुछ अन्य चीज़ पेश करनी थी, मतलब चैटर बॉक्स तो मेरे दिमाग में था लेकिन इस बार कुछ अन्य चीज़ पेश करनी थी या कुछ अन्य चीज़ लिखकर दिखानी थी। हुज गुड एट पोएट्री, सॉरी गलत पढ़ गए हम, समथिंग ओरिजिनल, कुछ अन्य करके दिखाना था, मतलब समथिंग ओरिजिनल मतलब कुछ नई घटना या फिर कुछ वास्तविक घटना के बारे में इस बार मुझे बताना था। माई फ्रेंड, मेरी मित्र सने, हुज गुड एट पोएट्री, जिसकी कविता बहुत अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी, उसने मुझे ऑफर दिया मदद करने का, राइट द एसे, उस निबंध को लिखने में, फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, शुरू से लेकर अंत तक उस निबंध को लिखने में मेरी मदद करने का वादा किया। इन वर्ड्स एंड आई जम्प फॉर जॉय, और इस प्रकार मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी,
मिस्टर केसिंग ने ट्राइंग टू प्ले ए जोक एक जोक मेरे ऊपर मारने का प्रयास किया विथ दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट को लेकर बट माय लेकिन आई डिड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम लेकिन उनका जोक उन्हीं के ऊपर जाकर पड़ गया आई फिनिश्ड माई पोएम मैंने अपनी कविता समाप्त कर ली एंड इट वॉज ब्यूटीफुल ये बहुत सुंदर थी इट वॉज अबाउट ए मदर डक ये एक मादा डक के बारे में थी एंड ए फादर और एक पिता हंस के बारे में थी विथ थ्री बेबी जिनके पास तीन बच्चे थे डकलिंग मतलब तीन बतख के बच्चे थे हु वेयर बीटिंग जिनको पीट दिया गया टू डेथ और उनकी मृत्यु हो गई बाय द फादर पिता के द्वारा मतलब वो बच्चे जो थे उनको पीट पीट कर मार डाला या काट कर मार डाला बिकॉज मैंने क्योंकि दे क्वेक्ड टू मच क्योंकि वो बहुत अधिक बात करते थे लकली लकली का मतलब आप क्या कह सकते हैं लकली का मतलब आप ये कह सकते हैं कि सौभाग्य भी कह सकते हैं सौभाग्य से मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे सौभाग्य से जो मिस्टर किसिंग का जो जो मजाक था वो सही रास्ते पे पड़ा ही रीड द पोएम उन्होंने कविता को पढ़ा टू द क्लास माने उस कक्षा में एडिंग हिज ओन कमेंट और उसमें कुछ अपने खुद के शब्द डाले एंड टू सर्वल अदर क्लासेस एज वेल और सभी अन्य क्लासों में भी उन्होंने इसको पढ़ के सुनाया सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक अब मुझे परमिशन मिल चुकी थी बातचीत करने की एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क और अब मुझे अतिरिक्त में कुछ भी होमवर्क नहीं दिया जाता था ऑन द कंटेरी इसका मतलब होता है विपरीत कह सकते हैं या फिर हाँ विपरीत ही कहेंगे इसके विपरीत मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डे इसके विपरीत में जो मिस्टर किसिंग थे वो हमेशा मेरे ऊपर जोक करते थे मतलब हमेशा मेरे पे मजाक भरी बातें करते थे तो मुझे लगता है लास्ट पैराग्राफ में एक बार फिर से बता दूं यहाँ से द क्लास रोड पूरी क्लास दहाड़ी या पूरी क्लास हंसने लगी आई हैड टू लव टू मुझे भी हंसी आ जाती है दो मैंने यद्यपि आई डिड नियरली एग्जाइटेड माई इन जेन्यूटी मतलब मेरी जो एग्जाइटेड मैंने समाप्त हो चुकी थी माई इन जेन्यूटी का मतलब हो जाता है आपका जो अनुभव था मेरा अनुभव समाप्त हो चुका था ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स चैटर बॉक्स का निबंध लिखते लिखते मेरे टॉपिक या मेरे शब्द समाप्त हो गए थे मैं नया क्या लिखती इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समवन एल्स लेकिन यह बिल्कुल भी विपरीत तरीके का था समवन ओरिजिनल और मुझे कुछ नया लिखना था मतलब वास्तविकता दिखानी थी माई फ्रेंड मेरी मित्र सान्य जो थी हुज गुड एट पोएट्री वह पोएट्री में ठीक ठाक थी ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे उन्होंने मुझे एसे लिखने का ऑफर दिया या फिर ये कह सकते उन्होंने एसे लिखने के लिए मुझे मदद करने का ऑफर दिया फ्रॉम बिगनिंग टू एंड शुरुआत से लेकर अंत तक इनवर्स एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय और इस प्रकार मैं खुशी के मारे उछल पड़ी मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी मिस्टर किसिंग मेरे ऊपर मजाक करने वाले थे विथ दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट इस अजीबोगरीब टॉपिक को देकर वो मेरे ऊपर मजाक करने वाले थे बट माई लेकिन आई डिड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम लेकिन उनका मजाक उन्हीं के ऊपर जाकर पड़ गया आई फिनिश माई पोएम मैंने अपने पोएम को समाप्त किया एंड इट वॉज ब्यूटीफुल बहुत सुंदर थी इट वॉज अबाउट ए मदर डक ये एक मादा डक के बारे में थी एंड ए फादर स्वान और एक हंस पिता के बारे में थी विथ थ्री बेबीज उनके पास तीन बच्चे थे डकलिंग डकलिंग का मतलब हो जाता है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनके या बतख के बच्चों को डकलिंग कहते हैं बतख के छोटे छोटे बच्चे थे तीन हु वेयर बीटन टू डेथ जिन्हें पीट कर मार डाला गया बाय द फादर पिता के द्वारा द पिता के द्वारा उन तीनों बच्चों को मार डाला गया बिकॉज मैंने क्योंकि दे क्वेक्ड वो चिल्लाते थे टू मच मैंने बहुत अधिक लकली मैंने वास्तव में यह सौभाग्य से मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे मिस्टर किसिंग ने जो भी जोक दिया था या भी जो भी मजाक किया था उन्होंने उसको उसने ठीक भाव से लिया
तो ये कह सकते हैं मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी विथ हिज रेडिकुलस सब्जेक्ट बट आई डिड नॉट मेक श्योर. ये हो गया था, आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड बीटन. हाँ, यहाँ से लकली मिस्टर किसिंग टुक द जोक. मिस्टर किसिंग ने टुक माई ले लिए द जोक, माने उस मजाक को, द राइट भी माने सही रास्ते में, जो भी मतलब निबंध दिया गया था इस प्रकार उसने उसके मजाक को एक सही रास्ते में लिया. ही रीड द पोएम, उसने पूरी कविता पढ़ी. टू द क्लास, माने क्लास में. एडिंग हिज ओन कमेंट, उसमें खुद के कुछ कमेंट डाले, कुछ विचार डाले. एंड टू सर्वल अदर क्लासेस, और सभी अन्य क्लासों में भी गया. एज विल, सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, तब मुझे परमिशन मिल गई थी बातचीत करने के लिए. एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और अब मुझे अतिरिक्त में होमवर्क नहीं दिया जाता था. ऑन द कॉन्ट्रेरी, मतलब जो इसके विपरीत, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज, इसके अतिरिक्त मिस्टर किसिंग जो थे वो इस समय हमेशा मजाक भरी बातें करते थे. इसके बाद क्या लिखा है, योर एनी, इसके बाद उसने अपना नाम डाल दिया है. ठीक है, तो ये था अध्याय, ये समाप्त होता है. उम्मीद करते हैं एक एक शब्द बताए गए हैं आपको समझ में आए होंगे. इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न उत्तर हैं ये भी आपको दिए जाएंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से. तो आप लोग अगला वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, और अगले अध्याय के जितने भी समरी है वो सब आपको एक एक चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी.